नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप YouTube पे जो हमें व्यू मिलते हैं उस व्यू से हमें कितना कितना पैसा मिलता है। एक व्यू से लेके मिलियन तक हम बात करेंगे कि कितना पैसा मिलता है। एक व्यू पर, 100 व्यू पर, 1000 व्यू पर, 10000 व्यू पर, 1 लाख व्यू पर, 1 मिलियन व्यू पर और भी कई तरीके। साथ ही यह भी बात करेंगे कि आपको जो सब्सक्राइबर्स मिलते हैं उन सब्सक्राइबर्स पे आपको कितना पैसा मिलता है, कितनी अर्निंग आप होती है YouTube पर, एक सब्सक्राइबर के कितने हैं, 100 के कितने, 1000 के कितने, ये सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अभी नीचे सब्सक्राइब कर ले हमें और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आगे भी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखते सकें। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि जब हम YouTube पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जब हम YouTube पे कहीं ना कहीं वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे मन में अर्निंग को लेकर काफ़ी ख्याल होते हैं, या फिर एज ए यूट्यूबर हम बनना चाहते हैं तो हमारे मन में ख्याल होता है भाई कितना कमाई हो जाता है, या फिर हमें ये कई बार सुनने को मिलता है भाई यहाँ तो लाखों लाख की कमाई है, तो क्या है कि नहीं है तो आप समझिए। जैसे कि पहले की जब आप YouTube पे आएंगे तो अभी तो आपको एक नियम आ गया भैया, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 मिनट आपको वाचिंग टाइम चाहिए 1 ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको उसके बाद YouTube रिव्यू करेगा। लेकिन जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, जो पुराने लोग हैं जो YouTube पे चैनल बना के छोड़े हुए हैं ना, उनकी बात करता हूँ कि वो कितना कमा लेते हैं, फिर उनको क्या आता है, क्योंकि पहले ये नियम नहीं था ये रिव्यू करने वाला और तमाम चीज़ें। पहले हर कोई आराम से आसानी से चला सकता था, हर कोई आसानी से उसको ऐड आते थे, कोई इतना नियम कानून नहीं था। ये क्यों हुआ, ये जियो के कारण हुआ। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर 1 व्यू आपको मिलता है तो, फॉर एग्जांपल आप नए यूट्यूबर हैं और आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और अब 4000 मिनट भी आपका हो गया, यानी कि मोनेटाइजेशन इलेवल हो गया। ठीक है, तो आपको कितना आएगा, जैसे देखिए कि एक व्यू आपको आया है 1 व्यू, अगर उस व्यू पे आपको ऐड मिला, जैसे किसी ने खोला और तुरंत उस पर ऐड आ गया है ना, तो आपको उस पर पैसा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा पैसा, वो भी अलग अलग होता है। देखिए होता ऐसे है कि उसमें जो ऐड आएगा वो ऐड स्किपेबल होगा या नॉन स्किपेबल होगा। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, अगर स्किपेबल है या नहीं है तो एडवर्टाइज़र कौन है, ऐड जो आ रहा है वो क्या है, किसी गाड़ी का है, मोबाइल का है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि गाड़ियाँ भी कई तरह की होती हैं, जैसे मोबाइल भी कई तरह के आते हैं, एंड्रॉयड आते हैं 10000 के, वहीं आईफोन आते हैं 60-70 हज़ार के। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली जब किसी 60-70 हज़ार वाले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, जो हाईटेक प्रोडक्ट्स है, जो कहीं ना कहीं अपर क्लास के लिए है, उनके ऐड अगर आप पे आ रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हो सकता है वो 50 रुपये भी हो सके एक व्यू में, हो सकता है 1 रुपये भी हो सकता है 5 रुपये, हो सकता है 100 रुपये हो। ठीक है, ये वेरिएबल है, मतलब ये कहीं डिफिनिट नहीं है कि आपको भैया एक व्यू आया तो आपको इतना मिल गया। ठीक, वहीं अगर 10 व्यू मान लीजिए आपका अभी आपको दिख रहा हो, आपको आपके एनालिटिक्स में, आपको क्रिएटर स्टूडियो में 10 व्यू मिल गया, तो आपको लग रहा होगा भाई कितना कमाई होगी, कितना कमाई होगा। तो होता ऐसे है दोस्तों कि 10 व्यू में आपको कितना ऐड मिला है ना, एक स्क्रिपेबल नॉन स्क्रिपेबल, उसके बाद जो नीचे में आता है पट्टी की तरह आता है, बॉक्स टाइप का, पोस्टर टाइप का बना हुआ वो, फिर आपका जब वीडियो चलता है तो आपको जो रिकमेंडेड साइड में होता है, रिकमेंडेड वाला वीडियो जितना है उसके ऊपर में छोटा सा बॉक्स टाइप का ऐड होता है वो, तो उनमें भी ऐड आता है, तो उसका अलग रेट है, इसका अलग रेट है। वो जो ऊपर वाला है उसका बहुत कम ही हमें पैसा मिलता है, क्योंकि वो आप देखते हैं ना भी देखते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पीसी पे बताया, लैपटॉप पे बताया मैंने ये आपको, और मोबाइल पे क्या होता है अब अक्सर कि आप जब खोलते हैं तो छोटा सा नीचे में आता है, या फिर आपको नीचे में आवाज आता है, आपको जो वीडियो चलता है उसके नीचे में आता है ना, तो अगर वो आप पे आ रहा है तो उस पे भी आपको लगभग अच्छा खासा, आपको मान के चलिए कि 10 से 15 या 20 रुपया, या फिर इसकी कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, मतलब पैमाना नहीं है कि कितना होगा, ये नहीं मतलब नहीं है कि मैंने 10 बोल दिया भैया एक ऐड पर 10 रुपये के हिसाब से जोड़ने लगे, ये नहीं है। 1 व्यू है, अगर ऐड आ रहा है तो उस पर पैसा मिलेगा, और कितना पैसा मिलेगा वो आपको इंस्टेंटली, आप क्रिएटर स्टूडियो में जाइए, क्रिएटर स्टूडियो में वहाँ पे आपको अर्निंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, डॉलर का साइन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप मोबाइल से चलाते हैं तो चिंता मत कीजिए, एक ऐप आता है क्रिएटर स्टूडियो, YouTube का ऑफिशियल ऐप है जो कि यूट्यूबर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। यहाँ पर से आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो में टैग लगा सकते हैं, वीडियो में कंटेंट को आप मतलब टैग लगा सकते हैं, साथ ही वीडियो अपलोड या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख रही है, वीडियो में आप क्या एडिट कर सकते हैं, ठीक है, थंबनेल लगा सकते हैं, वीडियो में कितनी कमाई हुई है मेन चीज़ आप ये देख सकते हैं, पर्टिकुलर वीडियो बाय वीडियो अगर आपको एग्जैक्टली देखना है एक वीडियो से कितनी कमाई हुई है। अगर आप यूट्यूब को अपने लैपटॉप पर खोल कर कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता चल पाता है, तो आप मोबाइल में इजीली आप जाएंगे, नॉर्मली आपको सारे वीडियो का लिस्ट होगा, वीडियो का ऑप्शन में वहाँ पे क्लिक करेंगे जिस वीडियो पे, उस वीडियो का पूरा डिटेल, कमेंट,
व्यू, व्यू टाइमिंग, साथ ही कितनी कमाई हुई, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब चलिए सब्सक्राइबर्स की बात मैं करता हूँ कि सब्सक्राइबर से क्या होता है, इस पर और थोड़ी सी बात करूँगा वहाँ से जोड़कर। देखिए आप नए हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 सब्सक्राइबर्स हैं, आपने पूरे कर लिए 4000 मिनट और 1000, ये मान लीजिए, ठीक है, 1000 सब्सक्राइब पूरा कर लिए और ये कर लिए। हालांकि मैं जो बता रहा था अभी वो पुराने के लिए बता रहा था, लेकिन अभी चलिए अभी के हिसाब से बताता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 4000 वो हो गए, मोनेटाइजेशन 11 हो गया, अब आपको ऐड आ रहा है, ठीक। अब एक और आप हैं जिसके 1000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, एक और ऐसा कोई यूट्यूबर है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब दोनों के ऐड में डिफरेंट जो होता है वेरिएबल वो बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आपको जो ऐड मिलेगा 1000 सब्सक्राइबर वाले को, वो कम पैसे वाला मिलेगा, कम बजट वाला मिलेगा, छोटे एडवर्टाइजर्स के मिलेंगे या फिर छोटे या कि ऐसे एडवर्टाइजर जो कि कम पैसे का बजटिंग ऐड लगाया हो वो स्किपेबल हो, कि भैया 3 सेकंड के बाद स्किप कर ले। नॉन स्किपेबल में क्या होता है, काफ़ी पैसा पे करना पड़ता है एडवर्टाइजर को, ठीक है, तो वो आपको मिलता है। वहीं अगर आप 1 लाख वाले हैं तो आपको उस तरह का मिलेगा, 10 लाख वाले सब्सक्राइबर तो और उससे ऊपर का मिलेगा। एक पैमाना ये होता है। दूसरा पैमाना ये होता है कि आपका जो वीडियो है, भले 1000 सब्सक्राइबर हो, लेकिन जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में आ गया, मतलब ट्रेंडिंग छोड़ दीजिए, वायरल हो गया, मतलब कि 1 मिलियन 2 मिलियन आपको उसमें व्यू आ गए, ठीक है। तो वो वीडियो आप जब भी कभी किसी मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे भी, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या आपको PC हो, या TV हो, स्मार्टफोन हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर सही होगी और वहाँ पे व्यू होगा, तो ऑटोमेटिकली गारंटीड 100% उस पे ऐड आएगी। क्योंकि यहाँ का ये एल्गोरिदम है कि भैया आप जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो भी कहते हैं, और जो YouTube के जो ऊपर चलाने वाले जितने क्रिएटर हैं, हम लोगों के लिए काम करने वाले, वो भी ये चीज़ को रखे हुए हैं कि जो ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, मान लीजिए 10 लाख या 10 मिलियन व्यू है, तो अगर उस पर ऐड देगा तो ऑब्वियसली आप उसको देखेंगे और उसमें आप इंटरेस्ट भी लेंगे, और वहाँ पे स्किपेबल ऐड नहीं होगा, नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे, गौर कीजिएगा कभी भी कि किसी ऐसे वीडियो को आप देख रहे हो जो कि काफ़ी अच्छा व्यू रखा हो, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अगर व्यू होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो आपको ऐड है वो नॉन स्किपेबल आता है, और आता ही आता है, जितने बार आप ओपन करेंगे ऐड आएगा ही आएगा। तो क्यों होता है, तो वो मायने रखता है वो व्यू, चैनल किसका है कहाँ का है मतलब नहीं रखता है। अगर व्यू उसमें काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जल्दी ट्रेंडिंग में भी अगर वीडियो आता है, व्यू ना हो लेकिन ट्रेंडिंग में वीडियो आया हो, तो भी आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा आपको अर्निंग होती है और हमेशा ऐड आता है। बेसिकली YouTube पर जो अर्निंग है की मतलब बात करेंगे, कमाई की बात करेंगे, तो वो ऐड ही है, वो ऐड यही सब है, स्किपेबल नॉन स्किपेबल पैटर्न, आपको बैनर, ये आप जब क्रिएटर स्टूडियो में अपने लैपटॉप में खोलेंगे, अपने ID को लॉगिन करें क्रिएटर स्टूडियो, वहाँ पे जब आप नीचे में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, जब आप किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, अपने वीडियो पे क्लिक करके किसी एक पार्टिकुलर वीडियो में जाइए, पूरा खुल जाने के बाद आपको इन्फो एंड सेटिंग मिलेगा, उसके बाद मोनेटाइजेशन मिलेगा 2nd नंबर पे, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नीचे में दिखाएगा कितने प्रकार का ऐड आपको आपके वीडियो पर दिया जाता है ना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा भैया ऐसा है तो किसमें कितना पैसा है, ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग, 1 व्यू 2 व्यू छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि आप कई सारे सेटअप के साथ वीडियो बनाते होंगे, कई सारे आप ब्यूटी टिप्स ताजी को बनाते होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग गूगल पे मिलिएगा आपको, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जितनी तमाम ई कॉमर्स की जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं उन सब की चलती है, ठीक है, तो उनसे आप टाइप करके वो एक आपको लिंक देंगे, उस सेम वही चीज़ होगा जो प्रोडक्ट वहाँ पे, वही लिंक उसको खोलने पे खुलेगा, ठीक है। मान लीजिए एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप का लिंक आप वहाँ से ले लिए, ठीक है, और जब उस लिंक के थ्रू कोई भी अमेजोन पे शॉपिंग करता है तो आपको कमीशन मिलता है, ये कमीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कई यूट्यूबर, कई ब्लॉगर सिर्फ इस पैसे से लाखों रुपए कमा रहे हैं, है ना। वो ऐसे कैसे, ऐसे कौन कौन से यूट्यूबर हैं, जैसे कि टेक, जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि और भी आपको इस तरह के जो प्रोडक्ट्स को लेकर रिव्यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्वाइस वाले, है ना, तो ये सभी काफ़ी अच्छा कमाते हैं। मान लीजिए ये सब में आप नहीं आते हैं, लेकिन आप चाहे तो आप लगा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। कई सारे लिंक आपको दिखते होंगे, सबके डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है, माई गियर, बेस्ट स्मार्टफोन, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, काफ़ी लिंक आपको दिखते होंगे अलग अलग तरीके के। आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ, जब आप उन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप URL बार में देखिएगा कि जो आपका URL होगा उसके आगे में जो बंदे का आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, उस बंदे का नाम वहाँ पर आपको दिखेगा, उस बंदे की User ID दिखेगी। जैसे मान लीजिए कि ट्रिक्स एक्सपर्ट का अगर आप चैनल आप देख रहे हैं, ट्रिक्स एक्सपर्ट के एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक के थ्रू आप गए हैं अमेजोन पे, तो ऊपर आप देखेंगे सब चीज़ वही होगा, लास्ट में एक आपको यूजर ID दिखेगा जो
एफिलिएट मार्केटिंग जब हम रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को तो वहाँ पे डालते हैं तो लगभग सब अपना एक ही सामान वही रखता है, जो नाम से यूट्यूब चैनल होता है वही नाम से वो रखता है या तो अपने नाम से रखता है। आप नॉर्मली उस प्रोडक्ट को अलग टैब में खोलिए, या तो आप कहीं भी चाहे तो पीसी या तो मोबाइल में, और उसको एफिलिएट मार्केटिंग वाले से खोलिए। दोनों के यूआरएल में थोड़ा सा लास्ट में अंतर आएगा, उससे आपको कुछ लॉस नहीं है, सामने वाले को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ यूट्यूबर्स के लिए, अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, यूट्यूब क्रिएटर बनना चाह रहे हैं या बने हुए हैं, तो यहाँ से भी आप अर्निंग ले सकते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही है आजकल, जानबूझ के मैं कर भी रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को क्लियरली पूरा अभी तक सॉर्ट आउट कर सकूँ, ताकि अगर जो यहाँ तक वीडियो मतलब देखे उसको हर चीज़ पता चल सके। और वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट तक मेरी वीडियो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव होती है। रिक्वेस्ट यार ये नहीं होता है भैया सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो सब चीज़ें नहीं करता हूँ इस वीडियो में, बता रहा हूँ, और किसी वीडियो में ऐसा बताया भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो अर्निंग की बात मैंने बता दी आपको। व्यू आपका अगर ऐड दे रहा है तो मिलेगा आपको काफ़ी अच्छा अर्निंग, अगर आपको व्यू हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में वीडियो है, व्यू हो रहा है तो ऐड आएगा जाएगा तो अर्निंग, अगर सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं तो आपको ऑटोमेटिक व्यू भी आएगा और व्यू के साथ साथ ऐड भी आएगा, वो जो ऐड होगा वो काफ़ी बजटफुल ऐड होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। 1 व्यू और 10 मिलियन व्यू दोनों में काफ़ी फर्क होता है ना। मान लीजिए आप 10 लाख सब्सक्राइबर्स वाले हैं, लेकिन जब आपका वो कोई वीडियो सिंगल वीडियो 1 व्यू में आएगा और वो जब 10 मिलियन व्यू में जाएगा, दोनों के जो ऐड होंगे, जो उसको ऐड डिस्ट्रीब्यूट किया करता है गूगल, है ना, वो अलग अलग रेट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये फंडा है यहाँ पे अर्निंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि मिसिंग है या फिर और भी आप कुछ जानना चाह रहे हो तो आप बेझिझक कमेंट में लिखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर हर किसी का आईडी अवेलेबल है और इजी टू यूज़ हूँ मैं, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा, मोबाइल नंबर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फिर मुझे होने लगेगी और जो पर्सनल लाइफ है मेरी वो कहीं ना कहीं डबाडोल हो जाएगी। तो बने रहिए आगे भी, इस तरह के टेक्स एंड टिप्स एंड आपको देता रहूँगा मैं, ताकि आप एक अच्छा यूट्यूबर चाहे तो यूट्यूबर बने, चाहे एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वो बन सके, या फिर आप एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं उसमें भी कई तरह की चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ। अभी बेसिकली मैं अभी स्टार्ट किया हूँ पूरे तरीके से, कि मैं अब सिर्फ मैंने जो अभी तक यहाँ पे अपने 3-4 साल के करियर में, यूट्यूब के करियर में जितने चीज़ सीखा हूँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ा जाना है, उसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब डिलीवर करके और भी जो लोग करना चाह रहे हैं वो भटके नहीं, क्योंकि यहाँ पे भटकाने वाले कई यूट्यूबर आपको मिलेंगे। तो उस इसलिए मैंने इस फील्ड में थोड़ा सा मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और अपने नॉलेज के आधार पर, जो यूट्यूब के टर्मिनोलॉजी है, टर्म एंड कंडीशन है, कॉपीराइट एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसके अनुसार। तो ठीक है, अब खत्म करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो और क्या आप जानना चाह रहे हैं, क्या और गलत बता दिया मैंने, क्या सही बताया। और अभी तक नए हैं आप इस चैनल पे, पहली बार आए हैं और या तो आए हैं वही बार लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ये आपके लिए अच्छा होगा और हमें काफ़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।